Yesterday, on the 17th of January, the National Conference on Sustainable Agriculture and Farmers' Welfare was inaugurated by Sri Radha Mohan Singh, Honorable Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, here at Chintan Bhavan. Thereafter, Minister in charge of agriculture from various states and senior officials of the level of Additional Chief Secretary, Additional Agriculture Production Commissioners, Principal Secretaries, and other senior officials. From various states, assisted by technical experts, resource persons, and senior officials of Union Ministry of Agriculture, have held extensive deliberations till noon today on various themes falling under five broad themes. The idea was to bring policymakers, experts, and practice practitioners together for finding solutions to the areas of concern of Indian agriculture. These five groups have come up with their individual technical reports. Which would now be presented here. Now, the fifth technical group will be represented by Sri Harish Davey, Deputy Managing Director, NABARD, and Dr. Asis Kumar Bhutani, Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, on the theme Crop Insurance and Credit Flow to Agriculture. I'd again request the presenter to kindly add it to the time limit, please. Honorable Prime Minister, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen. Uh, uh, we have recently, the government of India has uh, come out with a path breaking new crop insurance scheme recently. And uh, we discussed this scheme with the states. Uh, next slide, please. And uh, we circulated the copies to all the uh, states, discussed the scheme in detail. And one of the focus or one of the issues which was discussed was the issue of coverage of non loany farmers. And uh, that being the case, one of the suggestions which came from the discussions was that we should use post offices.

हर यूनियन बजट में एक लक्ष्य रखा जाता है कमर्शियल बैंक्स और सभी बैंक्स के लिए इस साल का जो लक्ष्य है क्रेडिट का साढ़े आठ लाख करोड़ का है और जिस तरह से क्रेडिट फ्लो डिसबर्समेंट हुआ है उम्मीद पूरी की जा रही है कि पूरा लक्ष्य कर दिया जाएगा लेकिन नेशनल लेवल पर जो अचीवमेंट हो रहे हैं क्या वाकई हर रीजन में हर स्टेट में भी उसी तरह से काम हो रहा है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सर अवर ग्रुप ट्राई टू एनालाइज सेकेंड द इश्यू विच वॉज एनालाइज बाई आवर ग्रुप

और सहकारी संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए इस विषय पर भी ग्रुप ने थोड़े चिंतन सुझाव भी रखे हैं नेक्स्ट सर क्रेडिट बैंक से उपलब्ध हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या हर क्षेत्र में क्रेडिट एब्सॉब्शन कैपेसिटी अवेलेबल है क्या जो पहले ग्रुप में भी इन्वेस्टमेंट uh, क्रेडिट के बारे में बात किया गया था हम इस ग्रुप भी उसी बात को एंडोस करता है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ रूरल क्षेत्रों में इरिगेशन और रोड्स कनेक्टिविटी की यदि जब की नहीं जाएगी तो क्रेडिट उत्तर उस उतने लेवल पे हो नहीं पाएगा <laughs> सर आज की परिस्थिति में जो लेटेस्ट एन सर्वे हुआ उसमें जो फाइंडिंग्स आई है थोड़ी चिंताजनक है कहा गया कि भारतवर्ष के करीब नौ लाख नौ करोड़ एग्रीकल्चरल हाउस हैं जिसमें से बावन प्रतिशत को उनको उनकी कोई डेट उनसे जुड़ी नहीं हुई है किसी कहीं से भी उन्होंने ऋण नहीं लिया है और जिन्होंने ऋण लिया है उसमें से सिर्फ साठ प्रतिशत कंपोनेंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का आ रहा है तो एक इस विषय को भी ग्रुप ने समय पर चर्चा की है स्मॉल फार्मर्स आज सर एटी परसेंट भारत के किसान छोटे किसान हैं उनको किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए और लास्टली एग्रीकल्चर इज पब्लिक गुड एग्रीकल्चर क्रेडिट इज ऑल्सो पब्लिक गुड सो एवरी स्टेट री वॉज रिप्रजेंटेड इन द ग्रुप दे सेट कि सर मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है किस दिशा में क्रेडिट जा रही है किसको मिल रही है किस एक्टिविटी के लिए जा रही है इस विषय पे थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कुछ बेस्ट प्रैक्टिस ऑब्जर्व की गई है सर uh, कुछ बातें पहले ग्रुप्स में कही है मैं रिपीट नहीं करूँगा लेकिन उत्तर प्रदेश में सीड की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों के खाते में जमा हो रही है इस विषय को हम आगे देखेंगे और किस तरह से जो ओवरऑल डीबीटी की जो बात है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ हो चाहे इंटरेस्ट सबवेंशन की सब्सिडीज़ हो किस तरह से आ, किसान के अकाउंट में जमा की जा सकती है सर इरिगेशन की बात आती है तो कई बार लगता है कि प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं डैम बन जाता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनता है तो उसका जो रियल बेनिफिट नहीं आता है आर ने सर एक उदाहरण देश के समक्ष रख रखा है 27 मिलियन हैक्टर इरिगेशन पोटेंशियल जिसमें एनविज हैं 93 परसेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम सर लास्टली तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इस विषय में इसलिए ग्रुप ने बात की है कि एग्रीगेशन जब तक नहीं होगा तो छोटे किसानों को ना इधर बैंक्स पहुँच पाएंगे ना दूसरी व्यवस्थाएँ पहुँच पाएगी सिमिलरली केरला गुजरात और पंजाब में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उन्होंने कई उदाहरण ऐसे व्यक्त किए हैं फॉर एग्जाम्पल फार्म में आज ट्रैक्टर लेना मुश्किल हो गया है लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सोसाइटीज़ के माध्यम से लैंड लीज फार्म फार्म इक्विपमेंट लीजिंग का एक व्यवस्था किया है सिमिलर एग्रीगेशन एग्जाम्पल आर अवेलेबल इन अदर स्टेट स्टेट अव सर गोइंग टू द रिकमेंडेश एक विचार ऐसा ग्रुप ने व्यक्त किया है सर कि जो तीन करोड़ तीन चार करोड़ छोटे किसान जो अभी बाकी हैं जिनको संस्थागत ऋण से अभी दूर रखा गया है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर साल बैंकिंग व्यवस्था से एक करोड़ किसान को जोड़े जाए दूसरा और ये तीन साल में एक तीन साल का लक्ष्य बैंकों के समक्ष रखा जा सकता है दूसरा सर एक ऑब्जर्वेशन ऐसा आया है कि हम कह रहे हैं कि कई किसान बैंकों से जुड़े नहीं हैं लेकिन ये कौन से क्षेत्र के हैं तो ये देखा गया सर कि सेंट्रल इंडिया नॉर्थ में ईस्टर्न यूपी से लेके ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जितने किसान हाउस हैं उनमें बहुत ही कम कवरेज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का हुआ है तो एक स्पेशल थ्रस्ट भारत सरकार करना चाहेगी इन इन राज्यों के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात आ रही है क्योंकि यूज़र एजेंसीज कई हैं सर डेटा की तो चाहे वो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो या सब्सिडीज़ के लिए हो या क्रेडिट के लिए हो या इंश्योरेंस के लिए हो कैन वी थिंक ऑफ क्रिएटिंग यू नो वर्चुअल पोर्टल वेयर एवरी फार्मर्स डेटा इज स्टोर्ड एंड अदर्स कैन यूज इट नेक्स्ट लेट इंफ्रास्ट्रक्चर का सर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग से सुझाव आया है कि इरीगेशन रोड्स एंड दूसरे जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं स्पेशली जहां डिस्ट्रेस है फार्म डिस्ट्रेस जहाँ है उस दिशा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे और लास्ट ईयर जब भारत सरकार ने एक फंड क्रिएट किया था सर पंद्रह हजार करोड़ का नाबार्ड में टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स थ्रू एग्री कोऑप्रेटिवस एंड रूरल बैंक्स सर बड़ी प्रसन्नता है ये शेयर करते हुए कि जो ट्रेंड मध्यम मुदत का लॉन्ग टर्म का कम हो रहा था लास्ट ईयर इस फंड की वजह से ट्रेंड में रिवर्सल हुई है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब हो रहे हैं नेक्स्ट सर इंटरेस्ट अबेंशन के बारे में पहले ग्रुप ने भी बात की है हमारे ग्रुप ने दो सुझाव रखे थे कि जब अकाल होता है और शॉर्ट टर्म लोन तीन साल या पाँच साल में कन्वर्जन होता है तो आज की परिस्थिति में हम पहले साल का सबवेंशन देती है भारत सरकार सुझाव ग्रुप का यह है कि तीन साल कन्वर्जन किया है तो तीनों साल में कन्वर्जन इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट दिया जाए सर जा। सेकेंड एक ऑब्जर्वेशन ऐसा आया सर कि कोऑपरेटिव संस्था चूंकि थ्री टायर स्ट्रक्चर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटी तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अदरवाइज प्राइमरी सोसाइटीज़ की वायबिलिटी के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं सर लास्टली जो एम की बात है पार्लियामेंट में कई सवाल पूछे जाते हैं कि फिशरीज़ में कितना ऋण दिया गया किस जिले में कितना गया आज की परिस्थिति में क्रॉप वाइज एक्टिविटी वाइज़ इंफॉर्मेशन जनरेट करना पूरे देश के लिए जो प्रेजेंट व्यवस्था है उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है बहुत बहुत धन्यवाद